मैं इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ जो मरने के 36 वर्षों के बाद भारत सरकार कोई निर्णय लिए हैं कि समावर्ष पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। कर्पूरी ठाकुर जी अंतिम सांस लिए तब तक उनका किसी भी प्रकार का पक्का घर नहीं था। उनको सर्वोच्च सम्मान मिलने से और जन्मशती के मौके को गौरवान्वित करने से लोगों के सामने आएंगे।